साल 2018 में यूपीएससी की परीक्षा में रितिका जिंदल ने 88वां रैंक हासिल किया और वह देश की सबसे यंगेस्ट आईएएस बनने का खिताब हासिल किया। आपको बता दें कि रितिका अपनी मेहनत और लगन के दम पर महज 22 वर्ष में आईएएस बनी हैं। रितिका ने अपनी ट्रेनिंग मसूरी में पूरी की और उसके बाद अब जिला सोलन में प्रशासनिक अधिकारियों से वे प्रशासनिक निर्णय लेने के गुण उपायुक्त सोलन केसी चमन से सीख रही हैं। रितिका ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे सोलन में जिला में आकर बेहद खुश हैं क्योंकि यहां के प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इस मौके पर रितिका जिंदल ने बताया कि वे सोलन में प्रशासनिक अधिकारियों से बहुत कुछ सीख रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों के नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वे चिकित्सकों, पुलिस और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के सहयोग से सफलतापूर्वक निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सोलन में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी बहुत ही बेहतर ढंग से कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में महिला उत्थान और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ युवाओं की कार्य कुशलता को बढ़ाकर रोजगार के अवसर सृजित करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी वे सीख रही हैं, इसलिए गलती की अभी गुंजाइश है, लेकिन स्वतंत्र प्रभाव में आने से पहले वे गलती की संभावनाओं को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती समाज पर अपना दुष्प्रभाव डाल सकती है। इसलिए वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ वे विभिन्न विभागों में जाकर छोटे बड़े सभी कर्मचारियों से बहुत कुछ सीख रही हैं। बहुत खुशी है मुझे यहाँ सोलन में आके एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनी, और पहली पोस्टिंग है आफ्टर जैसा कि आपने बोला कि मसूरी एकेडमी की ट्रेनिंग के बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, हमारे लिए आपातकालीन स्थिति है, तो अभी डीसी सर ने मुझे होम क्वारंटीन का नोडल ऑफिसर बनाया है। तो थोड़ा सा चैलेंज उसमें है बिकॉज बीइंग जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि वी आर एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द स्टेट, राइट, पंजाब हरियाणा हिमाचल के बॉर्डर पे हैं सोलन, एंड बद्दी फार्मास्यूटिकल अपना हब है यहाँ पे, सो इट्स द गेटवे टू हिमाचल इन दैट सेंस। तो यहाँ पे कोरोना को कंटेन करना इट हैज़ बीन अ चैलेंज, एंड इट्स अ हैट्स ऑफ टू आर टीम, डीसी सर, एसपी सर एंड द मेडिकल टीम एंड आर फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हमारे जितने भी पुलिस कॉन्स्टेबल्स हैं, हेल्थ टीम जो हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ आके उनका कोऑर्डिनेशन देख के, उनकी उनका जो हार्डवर्क, वो दिन रात लगे हुए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। सो वही है कि हमें सबको बचाव में ही बचाव है, कि सिर्फ प्रशासन के करने से भी कुछ नहीं होता है, जनता भी सेम भागीदारी दे रही है। सो इट्स अ गुड थिंग टू सी हियर टू लर्न। बाकी डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल ट्रेनिंग चल रही है हमारी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, कैसे फाइल की मूवमेंट होती हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोर्ट वर्क कैसे होता है, तो अभी तो वही सीख रहे हैं, लेट्स सी। ब्यूरोक्रेसी में जैसे जो हमारा प्रशासन है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, एक सेट प्रोसीजर होता है हर काम करने का, तो वो सीखना बहुत ज़रूरी है, उसमें लैप्सेस नहीं होने चाहिए। बिकॉज अभी तो मैं सीखने के मूड में हूँ, तो अभी मैं गलती कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ, बट जब मैं पोजीशन में आ सकती हूँ, तो मेरे एक एक डिसीजन बहुत सारे लोगों से जुड़ा होता है, मेरी एक छोटी सी गलती भी सबको भारी पड़ सकती है। सो तो हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं रह जाती, इट्स लिंक्ड विद एवरीवन। सो अभी मेरा वही मूड है कि मुझे देखना है कि कैसे प्रोसीजर होते हैं, या डीसी सर जैसे मीटिंग्स भी लेते हैं, क्या चीज़ पे फोकस करना होता है, कैसे एक्शनेबल चीज़ होती है, या जैसे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेते हैं, सो हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी मीटिंग्स हैं या सर पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, सो आई सिट विद सर एंड सी कि कैसे पब्लिक के साथ डीलिंग की जाती है, उनके इश्यूज को कैसे सुना जाता है, हाउ टू रिजॉल्व, कैसे प्रोसीजर है। तो बट मेजरली जो मुझे लगता है एरियाज, वो हैं जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ में या एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, एजुकेशन में कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए, प्लस एग्रीकल्चर को स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो इन चीज़ों में, प्लस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल जो है सेंटर्स, ताकि हम जो अपनी पुरानी आर्टिजन है, पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट है, उन सब में भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट में काम कर पाएँ, प्लस आई वुड से कि स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन केसेस में आई वुड लाइक टू वर्क, चाइल्ड केयर जैसे होता है, आर चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड्स, सो दीज आर द ब्रॉड एरियाज जहाँ पे मुझे काम करना अच्छा लगता है, एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू समथिंग, बट फर्स्ट आई विल सी के
लोगों की क्या उम्मीद है?